नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी के करेक्शन विंडो आज से आपके ओपन हो गए हैं। क्या क्या आप अगर कोई गलती किए हैं तो करेक्ट कर सकते हैं, उसका पूरा इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा, और जो भी आपके करेक्शंस रह गए हैं कि मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि ये गलती हो गई थी, ये सुधार होगा कि नहीं, जो भी आपके प्रश्न है कि ऑलरेडी एनटीए ने पूरा उसका पीडीएफ दिया है कि क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हैं। और एक खास बात और बताना चाहता हूं कि आज आपको रात्रि 10 बजे परीक्षा प्लस चैनल पर बम्पर ऑफर सभी बैच पर मिलेगा। तो सभी लोग 10 बजे का रिमाइंडर सेट कर लें। एक क्लास लगी हुई है 10 बजे की, उसे आप रिमाइंडर सेट कर लीजिए, वहां पर आप 10 बजे उपस्थित होइएगा, जहां पर आपको एकदम बेहतरीन ग्रुप सी डी की तैयारी करने वाले हैं, या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर इससे बेहतरीन मौका आज जो आपको मिलने वाला है परीक्षा प्लस टीम के द्वारा, जो भी जिस भी बैच से आप जुड़ेंगे एकदम एक बेस्ट प्राइस के साथ। तो वो आप 10 बजे का रिमाइंडर सेट कर ले, वहां आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम बात करें कि आज आपका जो करेक्शन विंडो खुल रहा है ये 26 तारीख से 27 तारीख तक रहेगा। 2 दिन का आपका ये करेक्शन के लिए बोला गया है। अब इसमें क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हैं, पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न बच्चों के आते हैं वो ये है, करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप करेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर साफ साफ बोला है, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, उम्मीदवार को परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या आप नहीं चेंज कर पाओगे, जल्दी से बताओ। यहां पर देखिए, आप लोग इसमें तो कोई गलती नहीं किए हो, अगर इसमें कोई गलती किए हो भैया तो ध्यान दे लो कि ये चेंज नहीं होगा आपका। क्या नहीं चेंज होगा आपका, इसमें चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, अपने नाम में चेंज नहीं कर सकते हो, कोई गलती किए हो डीओबी में नहीं चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर में, ईमेल एड्रेस में, डोमेसाइल में, कैटेगरी आपकी सब कैटेगरी, ईएसएम डिटेल में, जेंडर में, होम डिस्ट्रिक्ट में, क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड लाइव कैप्चर फोटोग्राफ। इसमें आपको क्या बोला गया है कि उम्मीदवार को परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद आपको अगले पे आते हैं, बाकी सब इसके अलावा करते हैं, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी ऑफ द फील्ड, आप इनमें से कोई भी फील्ड चेंज कर सकते हैं। उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन करने की अनुमति होगी, फादर नेम या मदर नेम में कोई गड़बड़ी है तो आप इनमें से कोई एक आप बदल सकते हो। उसके बाद से उम्मीदवार को सभी क्षेत्र में परिवर्तन करने की अनुमति है, इनमें आप किसी एक में परिवर्तन कर सकते हो, और इसमें आपको जो भी दिया गया है इसमें आप सभी में परिवर्तन कर सकते हो। जैसे आपका आइडेंटिटी टाइप क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, आधार कार्ड का डिटेल हो गया, एड्रेस आपका हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, अल्टरनेट नंबर हो गया आपका, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो तो वो पोस्ट भी आप चेंज कर सकते हो लास्ट में, और जो थंब इंप्रेशन है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, इसे भी कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट में क्या आपके लिखे गए हैं। बोला यदि शुल्क पर प्रभाव पड़ता है तो अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। सपोज करिए कि आप पोस्ट बदल रहे हो, चाहे और कोई पोस्ट में अगर कोई डिफरेंसेस आता है, बेसिकली डिफरेंस नहीं आएगा तो वही बोला गया है कि वो लागू किया जाएगा, वो किसी भी परिस्थिति में आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को केवल एक बार सुधार करने की अनुमति होगी, अर्थात एक बार सुधार किए जाने और प्रस्तुत किए जाने के बाद फॉर्म फ्रीज कर दिया जाएगा। बहुत ध्यान से जो भी गलतियां हैं आपकी उसे सुधारिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप सुधार करके उसे सबमिट किए तो फॉर्म आपका फ्रीज मोड में चला जाएगा, इसके बाद कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आपके पास डेट रहेगा भी तभी भी आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आप सोचो कि नहीं, एक करेक्शन कर दिए, बाद में याद आया, सोए सोए, अरे बाका बाजती है, ये तो गलती ही रह गई। आप पहले अपने फॉर्म को अच्छे से पूरा, जो प्रिंट आप निकाले होंगे फॉर्म भरने के बाद, उसे अच्छे से एक बार रिव्यू करिएगा आपकी क्या गलतियां हैं। देखो भाई, इसमें गलतियां प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन में आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, पोस्ट आप बदल सकते हो। मान लो आपने पोस्ट नहीं
एक चूज किया, आपको भूल गया कि आप जैसे सी में, हम बात करें ग्रुप सी वाले में, तो जैसे उसमें आता है कि दो पोस्ट है, एक जूनियर असिस्टेंट वाला है और एक आपका एक और पोस्ट है, तो उसमें कुछ बच्चे जो हैं सिर्फ एक ही अप्लाई किया, बोथ आप अगर नहीं किए हो तो वो चीज कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब आप जो है संशोधन कर सकते हो, पूरा पीडीएफ में दिया गया है, टेलीग्राम पे ये डलवा दिया जाएगा। आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और बहुत ध्यान से अपना जो फॉर्म है संशोधित करिएगा, क्योंकि 2 दिन का ही समय है, आज 26 और 27, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बाकी आपको कोई दिक्कत कोई समस्या है तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।